हाय दोस्तों मेरा नाम है फरहान और आप देख रहे हैं ए एस एम इंजीनियर्स चैनल आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्ड साइजेस के बारे में जिसमें हम पहले डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बट वेल्ड साइजेस देन हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिलेट वेल्ड साइजेस तो वेल्ड साइज का मतलब क्या होता है दो मेटल को ज्वाइन करने के लिए डिफरेंट शेप्स के वेल्डिंग जब हम यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं वेल्ड साइज फॉर एग्जाम्पल फिलेट वेल्ड के दो कॉमन साइजेस हैं कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स वेल्डिंग सो जब ये दोनों वेल्डिंग कम्प्लीट करते हैं टू जॉइन द टू मेटल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों के डिफरेंट शेप्स हैं सो इन डिफरेंट शेप्स को ही हम बोलते हैं डिफरेंट वेल्ड साइजेस सो बट वेल्ड की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर थ्री डिफरेंट साइजेस ऑफ बट वेल्ड होते हैं जैसे कि आप यहाँ पर फर्स्ट देख सकते हैं फुल पेनिट्रेशन बट वेल्ड इस इमेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो मेटल को कैसे ज्वाइन किया गया है वाई यूजिंग फुल पेनिट्रेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्चुअल थ्रोट थिकनेस जो है थोड़ा सा ज्यादा है एज कम्पेयर टू डिजाइन थ्रोट थिकनेस डिजाइन थ्रोट इज नथिंग बट द थिकनेस ऑफ द मटेरियल जितना थिकनेस रहेगा उतना ही डिजाइन थ्रोट रहेगा और एक्चुअल थ्रोट थिकनेस जो है इट इज इक्वल टू द डिजाइन थ्रोट थिकनेस प्लस एक्सेस ऑफ वेल्ड मेटल एक्चुअल थ्रोट थिकनेस का मतलब है जितना भी मटेरियल का थिकनेस है उतना वेल्डिंग तो कम्प्लीट करेंगे उसके साथ एक्सेस ऑफ वेल्ड मेटल ऑन द सर्फेस ऑफ द मेटल एंड एक्सेस ऑफ वेल्ड मेटल ऑन द रूट इन दोनों को जब मिलाएंगे उसको हम बोलेंगे एक्चुअल थ्रोट थिकनेस इन जनरल फुल पेनिट्रेशन बट वेल्ड ही प्रीफर करते हैं इंडस्ट्री में इससे जो है स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्डिंग इंक्रीज होता है एंड वेल्ड मेटल जो है विट स्टैंड करता है हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम सो नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्शल पेनिट्रेशन बट वेल्ड की और आप यहाँ पर देख सकते हैं डिजाइन थ्रोड का थिकनेस रहेगा रूट फेस से लेकर सरफेस ऑफ द प्लेट तक और एक्चुअल थ्रोड थिकनेस रहेगा रूट फेस से लेकर ऑन द एक्सेस ऑफ वेल्ड मेटल तक एंड दैट कंप्लीट हाइट ऑफ द वेल्डिंग को बोलते हैं एक्चुअल थ्रोट थिकनेस सो यूजुअली जो है बहुत ही लेस प्रीफर करते हैं इसको इंडस्ट्री में स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्डिंग जो है यूजुअली कम होता है और हायर प्रेशर एंड हायर टेम्परेचर में ये विचस्टैंड नहीं करता है इसके लिए इसको लेस प्रीफर करते हैं सो नेक्स्ट देखेंगे फुल पेनिट्रेशन बट वेल्ड ग्राउंड फ्लश सो यहाँ पर जो है आप इमेज में देख सकते हैं एक्चुअल थ्रोट थिकनेस जो होता है दैट विल बी इक्वल टू द डिजाइन थ्रोट थिकनेस यूजुअली ये भी फुल पेनिट्रेशन वेल्ड ही होता है इसको जो है इंटरनली एंड एक्सटर्नली ग्राइंड करके एक्सेस ऑफ वेल्ड मेटल को रिमूव करते हैं और वेल्ड मेटल का जो है थिकनेस इक्वल हो जाता है प्लेट के थिकनेस के बराबर सो so, ऐसे वेल्ड साइज को यूजुअली परफॉर्म करते हैं जहां पर एक्सेस ऑफ वेल्ड मेटल का रिक्वायरमेंट नहीं होता है फॉर एक्जाम्पल फ्लैंज सरफेस फ्लैंड सर्फेस जो है दूसरे फ्लैंड सर्फेस को ज्वाइन करता है इसलिए एक्सेस ऑफ वेल्ड मेटल का वहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होता है ऐसे केसेस में जो है एक्सेस ऑफ वेल्ड मेटल को जो है ग्राइंड करते, है, करते हैं एंड देन यूजुअली दोनों फ्लैंजेस को ज्वाइन करते हैं So, हम देखेंगे, so, आप यहां पर देख सकते हैं लेग लेंथ एक्चुअल पहला लेग लेटल दूसरा लेग लेंथ है वर्टिकल लेग लेंथ को यूजअली डिनोट करते हैं जेड के सिम्बॉल से एंड डिजाइन थ्रोट को यूजअली डिनोट करते हैं ए के सिम्बॉल से सो हॉरिजोंटल एंड वर्टिकल लेग लेंथ दोनों इक्वल होते हैं फिलेट वेल्ड में अगर ये अनिक्वल होंगे तो इसको हम बोलेंगे एसेमेट्रिकल जॉइंट इसको हम बोलते हैं टोस एंड टो से टो तक का जो हाइट होता है उसको हम बोलते हैं लेग लेंथ एंड यहाँ पर हम देखेंगे टो से टो तक का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे लेग लेंथ और डिजाइन थ्रोट जो है बाउंड्री लाइन से लेकर एक इमेजिनरी लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं डिजाइन थ्रोट और एक्चुअल थ्रोट की अगर बात करेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द रूट टू द फेस ऑफ द वेल्डिंग इसको हम बोलते हैं एक्चुअल थ्रोट एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे शेप ऑफ डिफरेंट फिलेट वेल्ड सो इसमें होते हैं थ्री टाइप्स ऑफ डिफरेंट फिलेट वेल्ट पहले हम देखेंगे माइटर फिलेट वेल्ड माइटर फिलेट वेल्ट जैसे कि आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं एक फ्लैट फिलेट वेल्ड होता है जहाँ पर लेग लेंथ दोनों ही इक्वल होते हैं एंड जो साइज है वेल्डिंग का इट एक्चुअली लुक्स लाइक एन आइसोसेलेस ट्राइंगल सो ऐसे फिलेट ज्वाइंट को हम बोलते हैं माइटर फिलेट वेल्ट और डिजाइन थ्रोड को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है आप यहाँ पर देख सकते हैं ए इज इक्वल टू पॉइंट सेवन जीरो सेवन इन जेड एंड सिमिलरली लेग लेंथ भी आप फाइंड कर सकते हैं यूजिंग नेक्स्ट फिलेट वेल्ड साइज है कॉन्वेक्स फिलेट वेल्ड आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं टू प्लेट्स आर जॉइट बाई कॉन्वेक्स फिलेट वेल्ड इसको नाम दिया गया है कॉन्वेक्स शेप की वजह से जहां पर वेल्ड फेस जो है एक्चुअली कॉन्वेक्स शेप में होता है एक्सेस ऑफ वेल्ड मेटल थोड़ा सा ज्यादा होता है इसके लिए हम बोलते हैं इसको कॉन्वेक्स फिलेट वेल्ड एंड डिजाइन थ्रोड जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा एक्सीड किया गया है इसके लिए हम बोलते हैं एक्सेस ऑफ वेल्ड मेटल एंड दैट इज कॉल्ड एज एक्चुअल थ्रोड थिकनेस और जनरली कॉन्वेक्स फिलेट वेल्ट को वहाँ पर यूज करते हैं जहां पर हाई लोड्स होते हैं जहाँ पर हाई टेंशन होते हैं वहाँ पर कॉन्वेक्स फिलेट वेल्ट का रिक्वायरमेंट होता है और उसको ही प्रीफर करते हैं और नेक्स्ट फिलेट वेल्ट साइज है कॉनकेव फट वेल्ट जैसे कि आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं इसका नेम दिया गया है उसके शेप के हिसाब से जहाँ पर वेल्ट का फेस जो है कॉन्केव होता है इसलिए इसको नाम दिया गया है कॉनके फिलेट वेल्ट जैसे कि डिजाइन थ्रोड यहाँ पर इक्वल होता है एक्चुअल थ्रोड के बराबर और आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा डिप्रेशन हुआ है वेल्डिंग में थ्रो आउट और इसका स्ट्रेंथ जो है यूजुअली लेस होता है एज कम्पेयर टू कॉन्वेक्स वेल्डिंग और ऐसे वेल्डिंग को परफॉर्म करने के लिए यूजुअली यूज़ युजु करते हैं आर्क वेल्डिंग का सो so, दोस्तों ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बट वेल्ड एंड फिलट वेल्ड साइजेस सो so, दोस्तों ऐसे ही हम इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते हैं सो so, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमको फॉलो कर सकते हैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर जहाँ पर हम रेगुलरली पोस्ट करते रहते हैं सो so, अगर आप फॉलो करना चाहते हैं लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है आप जाकर चेकआउट करके फॉलो कीजिएगा सो so, दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक इस वीडियो को वॉच कीजिएगा